प्रभु ने अपनी असीमित कृपा में हमको इस तरह से एक और अवसर दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। आज पहली बार जो भाई आए हैं उनको मेरी तरफ से भी विशेष स्वागत। भाई स्टीफन ने भी आकर हमको हमारा हिम्मत बढ़ाया है, उसके लिए उनके प्रोत्साहन के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हम इन सभाओं में प्रभु के वचन बाइबल से अध्ययन करते हैं और कई महीनों पहले हमने प्रभु के वचन बाइबल से मनुष्य की सृष्टि का इतिहास देखना शुरू किया था। किस तरह से आज से बहुत लंबे समय के दौरान प्रभु ने आसमान और पृथ्वी की सृष्टि की और सृष्टि करने के बाद उसमें एक बहुत ही सुंदर बगिया या बगीचा या फार्म हाउस लगाया जिसमें दुनिया के सबसे सुंदर आकर्षक मधुर फल और उसके अलावा मनुष्य को जो कुछ चाहिए था सब कुछ रखा और मनुष्य से कहा कि मैंने तुमको अनुग्रह दिया है, फूलों फलों बड़ो सारी पृथ्वी में भर जाओ और सारी पृथ्वी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। वहाँ से स्टार्ट करके हम काफ़ी आगे तक आ गए थे और काफ़ी आगे तक आ गए तो ये जो इतिहास है इसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु से सब कुछ पाने के बावजूद मनुष्य ने पाप किया, प्रभु की आज्ञा का लंघन किया और लंघन के कारण मनुष्य पापी हो गया और पापी हो जाने के बाद पाप से मुक्ति पाने के लिए या उद्धार पाने के लिए उसको एक मुक्तिदाता या एक उद्धारकर्ता मुक्ति देने वाले की जरूरत हुई। तब प्रभु ने प्रॉमिस किया, मैं स्वयं तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल दूंगा और इस कारण आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्म लिया जिससे कि मुझे और आपको मुक्ति दे सके। लेकिन प्रभु को इस संसार में आने से हजारों साल पहले मनुष्य की सृष्टि से जो घटनाएं हुई थी वो हमने देखी थी, किस तरह से आदम और हव्वा पहले माँ बाप थे, उनके बेटे हुए काइन और हाबिल और उसके बाद उनकी संतान में एक बहुत ही महान व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम। इब्राहिम के दो बेटे हुए इसहाक और याकूब। इब्राहिम का बेटा हुआ इसहाक, इसहाक का बेटा हुआ एसाव और याकूब। एसाव और याकूब जो बेटे हुए उसमें हमने देखा था कि पिछले से पहले संदेश में हमने देखा था कि किस तरह से एसाव प्रभु ने जो कुछ दिया था उन चीज़ों को उसने तुच्छ माना। याकूब ने धोखे से अपने बड़े भाई से ऐसी बहुत सारी चीज़ें ले ली जो एक्चुअली धोखे से उसको नहीं लेनी चाहिए थी, जिनके ऊपर उसका कोई भी अधिकार नहीं था। और बड़े भाई ने जरा से भूख के लिए अपने जीवन में बहुत सारी बातें थी जो अपने छोटे भाई को बेच दी। इतनी घटनाएं हमने प्रभु के वचन से देखी थी और इसमें बार बार हमने हर घटना में अलग अलग प्रभु के वचन से हमने पाठ देखे थे कि किस तरह से मनुष्य चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उसको प्रभु के कृपा की ज़रूरत है। और हमने ये देखा था कि प्रभु अपनी कृपा सबको देते हैं। देखिए, सूरज अपनी रोशनी अपनी गर्मी सेलेक्ट करके कुछ लोगों को नहीं देता है, जो अच्छा है बुरा है सबको सूरज रोशनी देता है, ये प्रभु की कृपा है। लेकिन हम कई बार अपनी लापरवाही के कारण प्रभु से जो अनुग्रह मिलना है वो अनुग्रह पा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको तीन बातों के या तीन पॉइंट्स के रूप में मैंने बताया था कि प्रभु की तरफ से असीमित कृपा मनुष्य को मिलती है। प्रभु की असीमित कृपा का
भोग लगाने के बाद, उसका आनंद लेने के बाद मनुष्य जरा सी बात पे प्रभु से बलवा करता है, रिबेलियन करता है, प्रभु से दूर जाता है, और जब दूर चला जाता है तो उसकी सजा भुगतता है, और सजा भुगतता है तो रोते गाते हुए प्रभु के पास वापस जाता है। मनुष्य को जिसके मन में प्रायश्चित है उसको सजा देने के बदले, उसको डांट फट करने के बदले प्रभु फिर से उसको अपनी कृपा दिखाते हैं या कृपा देते हैं, जिससे कि मनुष्य सुधर जाए, अपने जीवन में सुधर जाए। ऑफ कोर्स गलती का फल तो हमको भोगना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रभु की करुणा बार बार प्रभु देते हैं। याकूब नाम के व्यक्ति ने, हमने देखा था किस तरह से अपने बड़े भाई एसाव को धोखा दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ। देखिए, जीवन में हम कोई भी चॉइस करते हैं या चुनाव करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर होता है, परिणाम जरूर होता है। बाइबल में उत्पत्ति नामक पुस्तक 27वें अध्याय के आखिर पोर्शन में 41 पद में हम देखते हैं, एसाव ने याकूब से अपने पिता के दिए उस आशीर्वाद के कारण विरोध रखा और उसने सोचा। देखिए क्या हुआ था, छोटे भाई ने बड़े भाई एसाव को धोखा देके उस परिवार में जो बड़े भाई का अधिकार था, वो बहुत कुछ था, डबल पोर्शन वगैरह, वो सब लूट लिया था धोखे से। और इस कारण बड़ा भाई कहता है, मेरे पिता के अंतकाल का दिन पास है, उसके बाद मैं अपने छोटे भाई याकूब की हत्या करूंगा। छोटे भाई ने बड़े को धोखा दिया था और इस कारण बड़े ने सोचा, छोटे ने मेरा जो हक है वो धोखा देके मुझसे छीन लिया। हाँ, अभी पिताजी जीवित है इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और जिस दिन पिताजी का जीवन समाप्त हो जाएगा उस दिन जाकर मैं अपने छोटे भाई की हत्या करूँगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में हम जो भी चॉइसेस करते हैं, जो चुनाव करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव से अच्छा ही अच्छा फल मिले। गलत चुनाव करेंगे तो उसका फल दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द वाला होगा। बरसात के सीजन में बच्चों को पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, पानी में खूब देर तक खेलने कूदने और पूरी तरह से गीला होने के बाद माँ बाप याद दिलाते हैं कि बेटा बहुत हो गया, अब अंदर आ जाओ, और ज़्यादा देर पानी में भींगते रहोगे तो तुमको बुखार हो जाएगा। कई बच्चे नहीं सुनते हैं, क्या रिजल्ट होता है, शाम होते होते बुखार हो जाता है। या बच्चों से कहते हैं कि बेटा अंदर आ जाओ और अब तौलिए से, सूखे तौलिए से अच्छी तरह से सर पोंछ लो, बालों को एकदम से सूखा कर लो, क्योंकि तुमको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। और बच्चा माँ बाप के कहे कि उसकी उपेक्षा करता है, उसको इग्नोर कर देता है, क्या रिजल्ट होता है, बहुत जल्दी उसको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, और उसके अगले दो दिन बिस्तर पर पड़े रहता है, स्कूल नहीं जाता है, क्लास वर्क उसको मिल नहीं पाता है, होमवर्क वो कर नहीं पाता है, और हफ्ते भर में वो अपने क्लास में पिछड़ने लगता है। सी, जीवन में आनंद हरेक को चाहिए, खुशी हरेक को चाहिए, इसमें कोई दो शक नहीं है, और प्रभु भी इस बात को मना नहीं करते। प्रभु ने मनुष्य को हमेशा सर्वोत्तम देने की कोशिश की है, लेकिन आनंद और खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को धोखा देके या अपने स्वयं के जीवन में लापरवाही के द्वारा आनंद प्राप्त करें। यहाँ क्या हुआ, छोटे भाई ने बड़े भाई को धोखा देकर बड़े भाई को जो अनुग्रह मिलना था वो सब लूट लिया था, चोरी कर लिया था, डकैती डाल दी थी बड़े ब्रदर के अधिकार पर। और जब बड़े ब्रदर को लगा कि अरे मैं कैसा बेवकूफ हूँ कि मेरे छोटे भाई ने सब कुछ लूट लिया, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं छोटे भाई की हत्या कर दूंगा तो वो सारा हक जो मुझसे खो गया है वो मुझे वापस मिल जाएगा। चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे
आप कितने ही भक्त क्यों ना हो, चाहे ईश्वर के प्रति कितने ही समर्पित क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम जो चॉइसेस करते हैं, जो चुनाव करते हैं, उसका रिजल्ट जरूर होता है। जिस तरह से बच्चा यदि पानी में बरसात में नहाने के मामले में उसका आनंद लेने के साथ साथ लापरवाही करे तो उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। फाइनली क्या हुआ, जब इनकी माँ को ये बात मालूम पड़ी तो माँ ने याकूब को बुलाया, अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुनो तुम्हारा बड़ा भाई एसाव तुम्हारी हत्या करने की कोशिश में है और इसलिए मेरे बेटे तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से बहुत दूर मेरा देश है, यहाँ से यहाँ लाकर तुम्हारे डैडी से मेरी शादी करवाई गई थी, तुम यहाँ से भाग कर मेरे छोटे मेरे भाई के पास चले जाओ। और वहाँ पर थोड़े से दिन, माँ ने खास एक शब्द का उपयोग किया, थोड़े दिन तक, जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध खत्म ना हो जाए तब तक वहाँ रहना। थोड़े दिन, जब अपन किसी से कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए इधर से चले जाओ तो अपन क्या सोचते हैं, एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने भाई को जो धोखा दिया था उसके कारण 21 साल तक वापस नहीं आ पाया, ना तो उसे थोड़े समय के बाद अपनी माँ का दर्शन हुआ, ना ही थोड़े समय के बाद अपने बाप का दर्शन हुआ। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यह घटना आज से 4000 साल पहले जब घटी थी, उस समय परिवार आपस में बहुत क्लोज हुआ करते थे, अपने माँ बाप से इस तरह से एक एक दो दो साल दूर रहना मुश्किल है। इस आदमी को अपनी लापरवाही के कारण, अपने धोखे के कारण 21 साल अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, डरते डरते रहना पड़ा। क्या हुआ, वहां पर उसे शांति मिली क्या? नहीं, वो गया अपने मामा के पास। मामा अपने भांजे से भी बहुत ऊपर था, मतलब भांजा यदि धोखेबाज था तो मामा भांजे से दोगुना था। वहां गए तो उन लोगों के कस्टम के अनुसार उसको अपनी ममेरी बहन से प्यार हो गया, वो उससे शादी करना चाहता था। अरे माँ बाप ने कहा कि तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता, कोई बात नहीं है, एक 7 साल मेरी गुलामी करो, मेरे भेड़ बकरी चराओ। वो बहुत धनी आदमी था, 7 साल उसने गुलामी करवाई और उसके बाद शादी करवा दी। शादी करने के बाद उसको अगले दिन पता चला कि उसने मामा की छोटी लड़की से प्यार किया था, शादी करवा दी गई बड़ी लड़की से। उसने अपने मामा से कहा कि देखो तुमने मुझे धोखा दिया, मैं शादी करना चाहता था इससे, तुमने शादी करवाई उससे और 7 साल की मेहनत और करवा ली। तो मामा ने कहा, अरे कौन सी बड़ी बात है, मामा को धोखा देना बड़ा आसान लगता था, उस भांजे के लिए बिल्कुल सूटेबल मामा प्रभु ने दिया। मामा ने कहा, कोई बात नहीं, 7 साल और मेरी गुलामी करो और मेरी दूसरी बिटिया से भी शादी कर लो। ये है, जब हम अपने जीवन में अपने कॉन्शियंस, अपने विवेक के विरुद्ध काम करते हैं, प्रभु के विरुद्ध काम करते हैं, आनंद ही आनंद यदि हम सोचते हैं कि सिर्फ आएगा तो ऐसा नहीं है, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, ठीक है। तो दो लड़कियों के लिए उसको 14 साल गुलामी करनी पड़ी। फिर क्या हुआ, फिर मामा ने कहा कि एक काम करो, तुमको काम धंधा भी तो कुछ होना चाहिए, ये मेरी दो लड़कियां ब्याह ले गए हो, इनको पालने के लिए कुछ तुम्हारे पास इनकम का जरिया तो होना चाहिए, और इसलिए इनकम का जरिया हो, इनकम का कोई रास्ता हो, उसके लिए एक काम करो, कुछ साल और गुलामी करो, और गुलामी करने के बाद मैं अपनी भेड़ बकरियों में से कुछ तुमको दे दूंगा। क्या हुआ, हम बाइबल में ही आगे पढ़ते हैं 31वें अध्याय में,
लाबान के क्या हुआ कि इसके बहुत सारे ये 7 साल और गुलामी की लाबान के बेटे मतलब मामा के लड़कों की बात याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसके पास धन है, प्रतिष्ठा है। ये क्या बात हुई ये मैं आपको बता देता हूँ। सी याकूब अपने बड़े भाई को धोखा देके भाग गया, मामा के पास गया, मामा ने 7 साल की गुलामी करवाई, उसके बाद गलत लड़की से शादी करवा दी, उसके बाद दूसरी लड़की से शादी करवा दी, उसके लिए भी 7 साल गुलामी की। फिर मामा ने कहा कि अरे मेरे भांजे तेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ होना चाहिए, तो भांजे ने कहा कि ऐसा कीजिए मामा जी, आपके भेड़ बकरियाँ सभी सफ़ेद हैं, उसमें से यदि किसी के ऊपर स्पॉट्स हों, डॉट्स हों, काले धब्बे हों, मैं उनको ले लूँगा। मामा को लगा कि अच्छा अच्छा ये अच्छी बात है, क्योंकि भेड़ उसका ऊन तो सफ़ेद होता है, उसमें ब्लैक ना के बराबर होते हैं। मामा को लगा अच्छी बात है, भांजा बेवकूफ़ है, और इसलिए मामा ने मान लिया। तो याकूब ने क्या किया, 7 साल और मामा की गुलामी की, इस तरह से 21 साल गुलामी की। लेकिन याकूब इतना चालाक था, इतना चालाक था कि उसने भेड़ बकरियों को इस तरह से कंबाइन किया कि बहुत सारी भेड़ बकरियां ऐसी हुई जो जिनके ऊपर स्पॉट्स थे और वो सब बड़े हेल्दी निकले। याकूब ने किया था, कुछ गड़बड़ किया था। जो लोग जानवर पालते हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हेल्दी जानवर पैदा किए जाएं और वो किस तरह के हों। फाइनली 21 साल की गुलामी के बाद उसके पास भेड़ बकरियां बहुत हो गई, लेकिन उसके कजिन्स मामा के लड़के बोले कि ये हमारा कजिन जो यहाँ आया है ये धोखेबाज है और इसके साथ कुछ करना चाहिए। देखिए आज से 21 साल पहले उसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया था, उस ये 21 साल डरते 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 वो जिया। किसके डर से, कह रहे कहीं मेरे बड़े भाई को पता ना चल जाए कि मैं यहाँ हूँ, कि आफ्टरऑल मेरा मामा है तो वो बड़े भाई का भी तो मामा है, और यदि बड़े भाई को पता चल गया कि मैं मामा के घर पे हूँ तो किसी न किसी दिन आ जाएगा और मेरी हत्या कर देगा। 21 साल वो बड़े भाई के डर के साथ रहा, जिया, लेकिन प्रभु ने उसको करेक्ट करने के लिए, उसने जो गलती की थी उसको करेक्ट करने के लिए एक काम और किया। 21 साल एक और आदमी का डर उसके मन में बैठा दिया, कौन, मामा। ये धोखेबाज था तो मामा उससे भी, मतलब ये 19 था तो मामा 20 था। और फाइनली जब मामा के लड़के नाराज हो गए, जब उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का सब लूट लिया है इसने, तो याकूब ने क्या किया, याकूब ने अपनी पत्नियों को बुलाया, उनसे कहा कि देखो तुम्हारे फादर का चेहरा बदल गया है, पहले जब मैं आया था तब तो हाय भांजे अरे बेटे कह के बात करते थे, और अब उनका चेहरा बदल गया है, वो मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं कोई लुटेरा हूँ और इसलिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। पत्नियाँ तो जानती थी कि पति, सी एक पुरुष को चाहे दुनिया में कोई भी ना जान सके लेकिन उसकी पत्नी जरूर उसको पहचानती है कि ये पुरुष इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। पत्नियाँ जानती थी कि उनका पति क्या है, तो वो बोले कि हाँ अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है क्योंकि पिताजी की नज़र बदल गई है, और कल ऐसा ना हो कि वो सारा जितना तुम्हारी धन संपत्ति वो तुमसे रखवा लें और तुमको और हम दोनों को यहाँ से निकाल दें और बच्चों को निकाल दें, तो हम कंगाल लूटे हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए अपन चलते हैं। तो ऐसा उन्होंने किया कि जब मामा की नज़र नहीं थी, ऐसा समय देखकर ये याकूब और उसकी पत्नियां और बच्चे अपने जानवर को लेकर भाग गए वहां से। एक बुद्धिमान आदमी को जीवन में दूसरों से डर कर भागने की क्या जरूरत है। याकूब बहुत बुद्धिमान आदमी था, खासकर जानवरों को पालने के मामले में
वो असामान्य बुद्धिमान था। उसने जिस तरह से अपने मामा के भेड़ बकरियों में हेर फेर किया था, उससे ये बात पता चलती है कि जानवरों को पालने में बुद्धिमान था। और उस जमाने में जानवर ही मनुष्य के लिए धन होता था। तो जो आदमी धन कमाने के लिए इतना एक्सपर्ट था, उसको रातों रात डर कर एक चोर के समान मुंह छुपा कर क्यों भागना पड़ा? इसलिए कि उसका सोचने का तरीका सही नहीं था, उसके करने का तरीका सही नहीं था। वो जो काम सीधे सीधे कर सकता था, वो उसने धोखे धोखे किया। अपने बड़े भाई को धोखा दिया, अपने मामा को धोखा दिया, भागा। मामा जब घर आए तो पता चला कि अरे भांजा भाग चुका है, मेरी बेटियों को लेकर भाग गया है। मामा ने पीछा किया, पीछा करके भांजे को जाके पकड़ लिया कि क्यों रे, मेरी बेटियों को लेकर तू भाग गया, ऐसा क्यों किया? अरे कम से कम मेरी बेटियों को जाते समय उनको अच्छे प्रोत्साहन के साथ, चुंबन के साथ जाने के लिए तुमने कम से कम मुझे अलाउ किया होता। लेकिन याकूब ने उसका जवाब दिया, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था। क्यों? अरे डर क्यों गया था? यदि जिंदगी में जिंदगी ईमानदारी से बिताओ तो डरने की क्या जरूरत है? जो आदमी गलत नहीं करता उसको डरने की क्या जरूरत है? मेरे एक मित्र हमेशा कहा करते थे कि दूसरों से कोई भी बात करो तो किस व्यक्ति को क्या बताया है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि जीवन में तुम सिर्फ सच बोलते हो। क्यों? यदि सच बोलते हो तो सच कभी बदलता नहीं है। यदि किसी से झूठ बोला है तो उसको याद रखो कि क्या झूठ बोला था, किससे झूठ बोला था, और कल को वो झूठ पकड़ ले तो उस झूठ को छुपाने के लिए फिर झूठ बोलो। लेकिन यदि सिर्फ जीवन में सच बोलो और सच के अनुसार काम करो तो ना तो किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी बात को लिख के जरूरत रखने की जरूरत है कि फलाने दिन फलाने से फलानी चीज हमने बोली थी। याकूब जैसा शक्तिशाली, याकूब जैसा धनी, अब तो बहुत धनी हो गया था, 21 साल में वो बहुत अमीर हो गया था, उसको डरने की क्या जरूरत थी? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने जीवन में ईमानदार ना हो, प्रभु के प्रति ईमानदार ना हो, मनुष्य के प्रति ईमानदार ना हो, और जहां हम काम करते हैं उनके प्रति ईमानदार ना हो, तो जीवन में डर ही डर लगा रहेगा। और इसीलिए याकूब ने कहा, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। देखिए यहां पर भी उसने बहुत ही चालाकी से जवाब लिया। आज से 4000 साल पहले का जो समाज था, उस समाज में आज के समान पुनर्विवाह थोड़ी होते थे। कोई आदमी अपनी बेटियों की शादी करके, और यदि पति धनी है और बेटियों का अच्छा ख्याल रख रहा है तो उससे बेटियों को थोड़ी छीन लेगा। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि मामा जी या मामा साहब, 21 साल मैंने आपको धोखा देके मैं बहुत धनी बन गया हूँ, लेकिन आपके देश में आपके नाते रिश्तेदारों के, आपके बेटों के साथ रहता हूँ, आप लोग बहुत पावरफुल है, और इसलिए मुझे डर था कि यदि मैं बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ तो आप, आपके बेटे और आपके रिश्तेदार, आपके देश में आप लोग पावरफुल हैं इसलिए ये सारी भेड़ बकरियाँ मुझसे छीन लेंगे, इसलिए कि मैंने धोखे से आपको धोखा दे के इन सबको चोर लिया है, चोरी कर लिया है, लूट लिया है। लेकिन कोई व्यक्ति इस तरह से ईमानदारी से बोलता है क्या? नहीं। तो उसने कहा मुझे डर था, भेड़ बकरियों का नाम लेने के बदले उसने कहा मुझे डर था कि आप बेटियों को मुझसे छीन लेंगे। लाबान इस तरह का आदमी नहीं था, वो कड़ा था, और जरूरत पड़ने पे भांजे को थोड़ा बहुत धोखा भी देता था, लेकिन इसलिए कि भांजा भी धोखेबाज था। यह घटनाएं किसी से छुपती नहीं हैं, लेकिन वो एक दयालु पिता था, और उसने
याकूब को छोड़ दिया, अपनी बेटियों को छोड़ दिया, उन्होंने आपस में संगति की कि हम एक दूसरे इस जगह को क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर ना तो एक दूसरे को लूटेंगे ना एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये लोग बड़े, याकूब के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, बहुत सारे जानवर थे, पत्नियां थी, बच्चे थे, 21 साल वो डर के साथ जिए अपने ब्रदर के बारे में, अपने मामा के बारे में। रास्ते में एक दिन याकूब ने आंखें उठाकर देखी, मतलब पहाड़ी प्रदेश था तो वो कहीं वो लोग पहाड़ से उतर रहे होंगे, तो उसने नीचे को देखा तो बाप रे बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। 33वें अध्याय में हम देखते हैं याकूब ने आंखें उठाकर देखा कि एसाव मतलब उसका बड़ा ब्रदर 400 पुरुषों को लेकर आ रहा है। अरे भैया, यदि आप अपने ब्रदर से मिलने जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को लेकर जाएंगे, ये 400 लोगों को लेकर जाने का क्या हिसाब बनता है। याकूब इमीडिएटली समझ गया कि एसाव को पता चल गया है कि मामा से हो गई है मेरा मामा से हो गया है झगड़ा, मैं मामा को छोड़कर भाग रहा हूं, इसलिए अब मामा जी मेरी मदद नहीं करेंगे, मामा जी के लड़के मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, मेरे बच्चे वो तो युद्ध लायक हुए नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसके बच्चे, मान के चलिए कि जब वो मामा के पास पहुंचा तभी शादी हो गई थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बच्चे होंगे 20 साल के, लेकिन जब अपन एक्चुअल हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि इतनी भी उनकी उम्र नहीं थी, ये बच्चे क्या करते। फिर थी दो स्त्रियां और फिर थे थोड़े से चरवाहे जो उसकी भेड़ बकरियों को चराते थे। इस तरह से 21 साल मामा का अत्याचार और बड़े भाई के डर के साथ जीने के बाद वो जब भगोड़े के रूप में वापस अपने देश और प्रदेश जाता है तो वो देखता है कि अरे जिस बड़े भाई से उसको डर था वो भाई ना केवल अकेला आ रहा है, 400 पुरुषों को लेकर आ रहा है। उस जमाने में औसत आर्मी 300-400 ही लोग हुआ करते थे, आज के समान करोड़ों की जनता नहीं थी पृथ्वी पर, और उस समय युद्ध के लिए जाते थे। तो इसके पहले की घटना में हम देखते हैं कि किस तरह से इब्राहिम 300 लोगों के साथ जाकर इब्राहिम ने युद्ध किया, तो 400 तो अच्छी खासी आर्मी हो गई थी। तो एसाव ना केवल मेरा बड़ा भाई ना केवल मुझसे दुश्मनी रखता है, ना केवल मेरी हत्या के लिए आ रहा है, बल्कि 400 पुरुषों को लेकर आ रहा, अब मैं क्या करूंगा। प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, प्रभु ने हम सबको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, जीवन में बहुत सारे अवसर दिए हैं, धोखे से कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि प्रभु की संतान धोखे का सहारा लेता है तो उसके बाद जब तक उसके जीवन में प्रायश्चित नहीं आएगा, प्रॉपर प्रायश्चित नहीं आएगा, और जब तक उसके जीवन में प्रॉपर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक वो डर के साथ डरते कांपते हुए जिएगा। और यहाँ तो याकूब के प्राण गले में अटक गए जब उसने देखा कि 400-400 लेकर आदमियों को लेकर मेरा ब्रदर आ रहा है। क्या हुआ, डर के मारे याकूब ने बहुत कुछ किया, उसने अपने जानवरों में से कुछ जानवर छांट के उनको आगे भेजा कि मेरे बड़े ब्रदर से जब मुलाकात होगी तो उनसे कहना कि आपका दास याकूब, आपका ब्रदर नहीं, आपका दास याकूब आपसे भेंट करने के लिए आ रहा है और यह आपके लिए भेंट भेजा है। और इस तरह से उसने कई सेक्शन करके एक एक करके भेजा, जिससे कि बड़े भाई का क्रोध थोड़ा सा ठंडा कर सके। लेकिन याकूब एक बात भूल गया था, वो ये भूल गया कि दोनों ब्रदर्स को
प्रभु ने चुना था, प्रभु ने अनुग्रह दिया था। याकूब ने एसाव को धोखा जरूर दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रभु के चुने हुए परिवार के सदस्य होने के कारण प्रभु जिस तरह से याकूब के जीवन में कार्य कर रहे थे, उस तरह से एसाव के जीवन में भी प्रभु कार्य कर रहे थे। इन 21 साल में एसाव बहुत बढ़ गया था, बहुत बड़े उसके बहुत ज़्यादा जानवर हो गए थे, बहुत धनी हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत शक्तिशाली हो गया, लेकिन इसके साथ साथ उसने अपने भाई को क्षमा कर दिया था। उसके भाई ने उसका सब कुछ लूट लिया था, लेकिन प्रभु ने एसाव के ऊपर दया की और अब एसाव के पास भी सब कुछ हो गया था जो उससे लूट चुका था। जब उसने देखा पहले जानवरों के पहले काफिले को, उसको बताया गया कि आपके दास ने भेजा है, उसने उसकी इच्छा नहीं की। और फाइनली जब याकूब के पास आया तो याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये सब आपके लिए? याकूब ने कहा, एसाव ने कहा, मेरे पास सब कुछ है। बाइबल में लिखा है कि एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास बहुत कुछ है। तब याकूब को पहली बार जीवन में सिक्योरिटी महसूस हुई। इतना ही नहीं, चौथा पद मैं जरा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा, उसको हृदय से लगाकर, जिसने उसको धोखा दिया था उसको गले से लगाकर नहीं, बाइबल में एक विशेष शब्द का उपयोग किया, उसे हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। इससे हम कई बातें सीखते हैं। आज हमने प्रभु के वचन से जो देखा उससे कई बातें सीखते हैं। पहली बात, परमेश्वर की संतान, प्रभु के हम जो बच्चे हैं, हम जीवन में जो बोएंगे वो काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। याकूब को 21 साल भय के साथ, डर के, अपने माँ बाप से दूर, अपने कठोर मामा की गुलामी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पिताजी बहुत धनी थे और उस धन में से उसको जो हिस्सा जानवरों के रूप में मिल जाता उसका पालन पोषण वो करता। तो इन 21 सालों में मामा का जो भाई था उसके बदले अपने खुद के गांव में अपने लोगों के बीच में रहकर वो उतना ही धनी हो गया होता, बल्कि शायद उससे ज़्यादा धनी हो गया होता। लेकिन उसने नहीं किया, उसका रिजल्ट उसका हुआ। मैं और आप जीवन में जो चुनाव करते हैं, जो चॉइसेस करते हैं, उसके बारे में इस बात को कभी ना भूलें कि उसका रिजल्ट होगा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यदि जीवन में गलत चुनाव करने के बाद जब हमको समझ में आता है कि मुझसे गलती हो गई है, और यदि हम पूर्ण रूप से प्रभु पर आश्रय रखकर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बदल देते हैं। 35वें पद में हम देखते हैं, इस धोखेबाज से, इस लुटेरे से ईश्वर की वाणी इस तरह से आती है। 35वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब ईश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेक को जाओ, वहाँ रहो और वहां ईश्वर के लिए एक वेदी बनाओ। जिसने अपने बड़े भाई को धोखा दिया था, लूट लिया था, जिसने अपने मामा को धोखा दिया था, लूट लिया था, उस व्यक्ति के जीवन में जब वो प्रभु के ऊपर आश्रय के साथ जीवित रहने लगा, जीने लगा, तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो बदलाव आया, उसके कारण एक ऐसा भी मौका आया जब प्रभु ने स्वयं उससे कहा कि मेरे बेटे फलानी जगह जाओ, वहाँ पर मेरे लिए एक वेदी बनाओ। उस समय आज से 4000 साल पहले प्रभु एक व्यक्ति से अपने स्नेह को और अपनी करुणा को, और प्रभु उस व्यक्ति से प्रसन्न है, इसको प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे बड़ी बात कह सकते थे
वो बात ये थी कि मेरे लिए तुम एक वेदी बनाओ और उसके ऊपर बलिदान चढ़ाओ। याकूब धोखेबाज था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसको समझ में आ गया कि मैंने जो किया है वो गलत है, मैंने अपने स्वयं की मृत्यु को न्योता दिया है, और इस कारण धीरे 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 उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। प्रभु का बच्चा जब अपनी गलती पहचान लेता है तो उसके जीवन में जो सजाएं आती हैं, जो कठोर अनुभव आते हैं, इन अनुभवों के द्वारा प्रभु उस व्यक्ति को धीरे 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 बदलते हैं। हम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि मैंने जीवन में कभी कोई गलत चॉइस नहीं किया है? हाँ, हम में से कई लोग ये जरूर कह सकते हैं कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। हम में से कई लोग, क्योंकि धोखा देना वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसलिए यदि मैं पूछूं कि आप में से ऐसा कौन है जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आप में से कई लोग हाथ उठा के कह सकते हैं कि नहीं, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन यदि मैं आपसे और एक व्यापक जनरल प्रश्न पूछूं कि आज यहाँ बैठे हुए जो भाई और बहन लोग हैं जो परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं, इनमें से कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैंने जीवन में कभी भी कोई भी एक भी गलत चॉइस नहीं किया है? कोई नहीं कह सकता। और यदि हमारे बीच में आज इस तरह का कोई भक्त या संत है जिसने जीवन में एक भी गलत काम नहीं किया है, तो वो यह थोड़ी होता, हम सब ने गलत काम किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है कि यदि हम गलती करने के बाद उस गलती के बारे में यदि हमको पश्चाताप होता है, प्रभु ग्रेजुअली हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमको शेप करते हैं, हमको बदलते हैं। और ये शेप करने और बदलने के बारे में पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था, धीरे 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 हमको बदल कर हमको एकदम से अलग व्यक्ति बना देते हैं। याकूब के जीवन में ये परिवर्तन आया। पहले 21 साल प्रभु ने कड़ाई से उसके जीवन को बदला, उसके बाद प्रभु ने उसको आज़ादी दी, और आज़ादी के समय फिर उसका जीवन बदला। फाइनली प्रभु ने कहा कि हे याकूब, तुम जाओ फलानी जगह पर जाओ और वहाँ पर मेरे लिए एक वेदी बनाओ जिस पर तुम बलिदान चढ़ा सकते हो। फिर से मैं जो तीन बातें प्रभु के वचन से सुनाना चाहता था, पहली बात, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। ऐसा कोई नहीं है जो बोने के बाद जिसने कभी काटा नहीं है। दूसरी बात, कितना भी हमने कितने भी गलत काम किए हों, कितने भी गलत चॉइस किए हों, यदि हम वापस प्रभु के पास चले जाते हैं तो प्रभु हमको खुले हाथ स्वीकार करते हैं, और खुले हाथ स्वीकार करके उसके बाद आने वाले दिनों में हमारे जीवन को धीरे 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 बदल कर हम सोच नहीं सकते इतना अच्छा, इतना समर्पित एक व्यक्ति बना देते हैं। तीसरी बात, मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमको पैसा चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको हमारे परिवार के लिए सपोर्ट चाहिए, परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, स्वास्थ्य और बल चाहिए। लेकिन यदि इन चीज़ों को हम अपनी चालाकी से पाना चाहें तो नहीं पा सकेंगे। मनुष्य की हर समस्या का हल प्रभु के पास जाना है, जिससे कि प्रभु हमको अनुग्रह दे सके और प्रभु हमको हमारे जीवन में बदल सके। कौन व्यक्ति है जो अपने जीवन में परफेक्ट है, जो पूर्णता लिए हुए है? कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथ में डाल दीजिए, अपने हाथ प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, प्रभु धीरे 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 आपको बदल देंगे। आज से हजारों साल पहले जब आदम और हव्वा ने पाप करके प्रभु के सामने लंघन करके अपने आप को प्रभु से अलग कर लिया था, तब प्रभु ने कहा था कि मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने के लिए मैं एक मुक्तिदाता इस संसार में भेजूंगा। उस मुक्तिदाता को भेजने के लिए प्रभु ने एक एक करके लोगों का इंतजाम किया जिससे कि उस परिवार से मुक्तिदाता आ सके। उसके लिए प्रभु ने
नूह नाम के धर्मी व्यक्ति को ऊपर उठाया, नूह के बाद इब्राहिम को उठाया, इब्राहिम के बाद इसहाक को, इसहाक के बाद याकूब और एसाव दो बेटे हुए, जिसमें प्रभु ने याकूब को चुना। याकूब के 12 बेटे हुए थे, उनमें से प्रभु ने कुछ को चुना, जो जहां हम अभी नहीं पहुंचे। बाइबल में हम आदम और हव्वा से लेकर प्रभु यीशु तक एक पूर्ण लिंक देखते हैं। क्यों? इसलिए कि जब प्रभु ने प्रॉमिस किया कि मैं मुक्तिदाता को भेजूंगा, तो मुक्तिदाता को भेजने के लिए प्रभु ने इंतजाम किया। तो याकूब के बारे में एक बात और आज मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने अपने बेटे प्रभु यीशु को इस संसार में भेजने के लिए लोगों की एक पूरी श्रेणी तैयार की थी, जिसमें से एक याकूब था। याकूब परफेक्ट नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसको पकड़कर, उसको शेप करके, उसको बदल कर, उसके जीवन को रूपांतर करके उसको एक धर्मी व्यक्ति बना दिया, जिससे कि उसके परिवार में प्रभु आ सकें। मैं फिर से वो तीनों बातें याद दिलाना चाहता हूँ क्लोज करने के पहले। मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। दूसरी बात, यदि हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु हमको बदल देंगे। तीसरी बात, मनुष्य की समस्याओं का हल मनुष्य के हाथ में नहीं है, प्रभु के हाथ में है। चौथी बात, जो हम काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, आदम के समय प्रभु ने प्रॉमिस किया था कि मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा, और उस मुक्तिदाता को इस संसार में लाने के लिए तब से लेकर प्रभु यीशु के समय तक प्रभु ने भक्त, धर्मी, समर्पित लोगों की एक पूरी कड़ी, एक पूरी जंजीर, एक पूरी श्रृंखला रखी थी। लेकिन इस तरह की जंजीर और कड़ी को बनाने के लिए इस संसार में धर्मी लोग तो हैं नहीं, लेकिन प्रभु ने पापियों को लेकर, उनके जीवन में काम करके, उनको शेप करके आदम से लेकर प्रभु यीशु तक एक पूरी श्रृंखला बनाई थी। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु जो सोचते हैं वो करते हैं। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन में सर्वोत्तम बात यह होगी कि हम अपने जीवन की सारी जरूरतों के लिए अपनी बुद्धि पर आश्रित रहने के बदले अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। क्लोजिंग से पहले 2 मिनट मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने ये बात बोली कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु को उत्तर भारत में ईसा भी कहा जाता है, उर्दू जो लोग बोलते हैं या उर्दू के इन्फ्लुएंस में ईसा भी कहा जाता है, यीशु, ईसा, केरल में येशु बोला जाता है, ये सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। प्रभु इस संसार में एक धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। वे इस संसार में आए थे मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए। आज शाम को हम जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम लोग इस संदेश को सुनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु यीशु के द्वारा इस मुक्ति को जरूर पा लें। ये मुक्ति क्या चीज़ है, थोड़ा सा समय लगेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा सुझाव है कि आज ही सभा के बाद आप बैठकर, यहाँ पर जो भाई लोग हैं इनमें से कई लोग हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, बोल लेते हैं, इन लोगों से इन बातों को सोचकर, समझकर, अच्छी तरह से समझकर जीवन में मुक्ति या छुटकारा पा लें। आज से कई साल पहले मैंने अपने जीवन में इस मुक्ति का अनुभव किया, तब से मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस दुनिया में मैंने पापी के रूप में जन्म लिया, लेकिन जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँगा तब मैं प्रभु की उपस्थिति में ही जाऊँगा, नरक नहीं जाऊँगा। क्यों? इसलिए कि प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए उस मुक्ति को मैंने पा लिया है। आप भी उस मुक्ति को, उस उद्धार को जरूर पा लें। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा, इन भाइयों से इन डिटेल्स को समझकर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने के बाद ही यहाँ से जाएं। प्रभु आपके साथ रहें, प्रभु आपकी मदद करें। जय मसीह की।